हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हेयर इज मी मिनाहिल, और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है सेलिब्रेटिंग कृष्णा जन्माष्टमी इन वृंदावन, आई लव माय इंडिया, और इनके चैनल का नेम है कर्ली टेल्स। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सो लेट्स वॉच द वीडियो। भारत के त्योहारों की बात ही कुछ और है। अयोध्या में दिवाली, पुष्कर में होली, कोलकाता में दुर्गा पूजा, जितने जोरों शोरों से मनाया जाता है उतने ही धूमधाम से हम जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी आए हैं। वेलकम टू वृंदावन। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में गुजरा है। उनकी सारी नटखट कहानियां इसी अड़ोस पड़ोस में हुई, और शायद इसीलिए हर साल जन्माष्टमी पर 30 लाख से भी ज्यादा लोग यहां आते हैं। और मैं भी आई हूं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में रात को 12 बजे उनका जन्मदिन मनाने। वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जंगल, इस पवित्र स्थान पर पहुंचना बहुत आसान है। आप मथुरा तक ट्रेन लेकर वहां से सिर्फ 30 मिनट की टैक्सी जर्नी कर वृंदावन पहुंच सकते हैं, या फिर दिल्ली तक फ्लाइट लेकर 3 घंटे की ड्राइव वाया यमुना एक्सप्रेस कर सकते हैं। रास्ता बहुत ही कंफर्टेबल है, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव रात को मनाया जाता है, हमने सोचा क्यों ना दिन भर वृंदावन घूम ले। वृंदावन में 10 मिनट आओ और आपको पता चल जाएगा यहां हर चीज राधे राधे। सॉरी, थैंक यू, प्लीज, इनफैक्ट रिक्शा का हॉर्न भी पैपा नहीं, राधे राधे बजता है। कृष्ण जी ने अपना बचपन वृंदावन में बिताया, तो यहाँ के हर एक गली चौराहे में कहानियां छुपी हैं, और यही कहानियां मुझे खींची लाएं। भगवान श्री कृष्ण जिस कदम के पेड़ पर चढ़े वो कदम का पेड़ आज भी है, आप उसको टच कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जिस यमुना मैया में नहाए वहां यमुना जी ने आज जाकर आचमन ले सको कैसे को जय हमने, उसी में भगवान कृष्ण आए वो आज भी है। वृंदावन के अंदर मतलब जाओगे तो कुंडली कौन जाने लियो बंधन के चश्मा छिन भाई जाने आनंद ना लियो जाने वृंदावन की होली कौन जाने लियो इंद्र में कुछ ना। यहां पे यू हैव टू बी वेरी फंकी, क्योंकि हाथ में कुछ भी हो जाए, फोन हो, गॉगल्स हो, स्पेक्स हो, सब लेके जाते। ओए ओए उधर देखो, अब मैं मेरे पॉकेट में दो चीजें लेके घूम रही हूं, एक मेरा फोन और दूसरी मेरा फोन या तो फ्रूटी। वृंदावन आना हो तो कम से कम 4 दिन चाहिए। यहाँ 5,000 से भी ज्यादा राधा कृष्ण के मंदिर हैं, जहाँ जन्माष्टमी की रात बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इन प्राचीन मंदिरों में से एक है राधा दामोदर मंदिर, जहाँ जन्माष्टमी रात को नहीं बल्कि सुबह मनाई जाती है। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जो जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो हमारे जग के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, जो की वृंदावन धाम ब्रज धाम में बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है। अगर हमारे आपके घर में किसी छोटे से बालक का जब जन्म हो करे तो हम क्या करें, बापो रात को 12 बजे हम जन्माष्टमी ना मनाएं, बापो हम शाम को गिफ्ट करवाएं, तो हमारे दामोदर तो छोटे से लाला है तो रात भर उठेंगे नींद आ जाएगी, इसलिए हम प्रातःकालीन करते हैं। अगर वृंदावन नाम सुनते सबसे पहले जो चीज याद आए वो है बांके बिहारी मंदिर। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी की बाल रूप में सेवा होती है। प्रेम मंदिर, निधिवन, कृष्ण बलराम मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर जैसे यहाँ कई मंदिर और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। पर जन्माष्टमी एकादशी जैसे उत्सवों के दौरान यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ही ई रिक्शा आगे बढ़ते न हजारों लोगों की भीड़। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर was actually conceived by the devotees of ISKCON Bangalore, and we have been working on this project for the last probably 15 or nearly 18 years. It's a 700 feet temple that is yet to come. What we see right now is phase one of the skyscraper. The Vrindavan Chandrodaya Mandir is a project by ISKCON Bangalore, where they propose to build the tallest, grandest and largest temple of Lord Krishna in the world. The skyscraper temple cum heritage project also consists of a gaushala, where Janmashtami ke avsar par 501 padarthon ka bhog lagaya gaya tha. Inme se 160 tarah ke laddu the, 56 fruits and vegetables, 56 namkeen ke saath saath dainik aahar ke padarth jaise gul, namak, hara chara, bhusa, chokar, dalia bhi the. Aaj yahan pe hum log 501 items offer kar rahe hain, ye gayon ke liye, aur sab koi sare bhakt aakar ke yahan pe aur inhe khila rahe khud apne haathon se. To ye bola jata hai ki jab gay ko hum offer khilate hain aur wo apni jeev se jab hamare hatheli ko chaatti hai to hamare jo haathon ki rekha hoti hai wo badal jati hai. किसी घाट पर जहाँ कुछ ही समय में यमुना आरती शुरू होने वाली, गंगा आरती के बारे में हमने सुनाई है, चाहे वो ऋषिकेश में हो चाहे वो हरिद्वार में हो, पर यमुना आरती भी उतनी खूबसूरती से मनाई जाती है। यूजुअली घाट आरती से दिन का अंत होता है, पर आज इस घाट आरती से जन्माष्टमी की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि असल उत्सव तो अब शुरू होगा। चले वृंदावन के हर एक मंदिर में रात के 12 बजे जन्माष्टमी मनाई जाती है। हमने उत्सव वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में मनाया। The temple's sanctum sanctorum was adorned with numerous flower garlands to create a full bangla for Shri Krishna. The grand abhishek was performed to the deities of Shri Radha Vrindavanachalam, where they were bathed in panchamrut, milk, herbal water, honey, and various fruit juices. They were then rocked gently on a beautiful chulan amidst devotional renditions. Special food preparations called rajbhog and chappanbhog were offered to the deities throughout the day. Makhan mishri, butter mixed with sugar crystals, was also offered to Krishna, the beloved Makhan Chur.
सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, सब मतलब एक से बढ़कर एक होता है. अगर वो चाहे रिलीजियस फेस्टिवल हो या वैसे ही उनका कोई आप ये कह लो कि नेशनली तौर पर कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मतलब सीजनली भी फेस्टिवल्स होते हैं तो सब एक से बढ़कर एक होते हैं और सब मिलकर इतने जोशो खरोश से वो मनाते हैं कि देखने वालों को भी मज़ा आता है. मतलब आप अगर इंटरनली तौर पर, दिली तौर पर अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हो ना, तो वो देखने वालों को भी अट्रैक्ट करती है. इसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है, मतलब इनका हर फेस्टिवल खुशियों से, मिठाइयों से, कलर से भरा हुआ होता है. तो ये भी इसी तरह से था. हर फेस्टिवल की कोई ना कोई जो मिठाई है वो फेमस होती है, जैसे माखन मिश्री जो एक नाम मैंने सुना. इस तरह की और भी हैं जो कि डिफरेंट फेस्टिवल्स की जो है ना स्पेसिफिकली मिठाइयाँ खासतौर पर उनके साथ जो है ना मनसूब की जाती हैं कि ये मिठाई इस फेस्टिवल पर स्पेशली बनाई जाती है या ये मीठा इस फेस्टिवल के लिए स्पेशली बनाया जाता है. तो इस तरह से है ये. और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा. एक मुझे चीज़ बहुत डिफरेंट लगी, जैसे कि राधे राधे बोलना, कि यहाँ पर वृंदावन में हर जगह पर, क्योंकि ये कृष्ण जी की जो है वो बचपन का, वो आप वो कह लो कि यहाँ पर वो पैदा हुए थे, तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए इवन के हॉर्न भी राधे राधे बजाया जाता. तो ये मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात थी और एक डिफरेंट बात भी थी. और दूसरा, 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो जमा होते हैं यहाँ पर. इट्स अमेजिंग. मतलब दुनिया के ही डिफरेंट कंट्री से भी जाते होंगे और इवन इंडिया के डिफरेंट सिटीज से यहाँ पर लोग जमा होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी उनकी यादें हैं. जैसे कि एक ट्री के बारे में बोला गया, फिर एक नदी के बारे में बोला गया कि वो भी उस टाइम से है और आज तक है. तो वही बात आ गई कि मतलब हर चीज़ की वैल्यू है. हर चीज़ मतलब ज़िंदा रह सकती है, लेकिन एक नहीं रह सकता तो इंसान ही नहीं रह सकता. बहरहाल बहुत अच्छा लगा. और आई थिंक ये जन्माष्टमी गुजर चुकी है, तो मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी. सो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और चैनल को भी, वीडियो को भी लाइक कर दें. सो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ. तब तक मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.